अब आपने यहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है? मैं आज कोशिश करता हूँ कि चीज़ें हो जाएँ, रिकॉर्ड हो जाए, तो फिर उसके बाद हम, मेरे ख्याल से या दिस वॉज द क्वेश्चन वी हैव टू डू, इसका हमारा लास्ट पार्ट रहता था, लेकिन आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। ये वाला हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो वी आर हैविंग टू फंक्शंस हियर, वन इज एच एक्स एंड द सेकेंड वन इज के एक्स। So he said that find the value of h6. h6 is like very simple. Mere paas h ka function kya aa raha hai? Hx is equals to 12 over x plus 1. This is given. Theek hai? The function of hx is equals to 12 over x plus 1. I told you that this is the second method to write a function. Basically, ye is cheez ke hi equivalent hota hai. Hx is equals to 12 over x plus 1. Now he said I find the value of h6. So I need to put the value of x 6. Jahan jahan x hai, ab wahan maine 6 put karna hai. So it is 2 plus 1, which is equals to 3. So my value of h6 is equals to 3. This is my answer. Part B is, I need to find the value of k negative 1. So I'm having the function of k, this k x equals to 2 raised to the power x negative 1. So k negative 1 b equals to 2 negative 1 minus 1. Okay, I told you yesterday ki jab negative hamare paas power aati hai to negative indices kya kehte hai, कि वी जस्ट हैव टू रेसिप्रोकेट इट, उसका नीचे चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, वन ओवर डिनोमिनेटर। जो भी आपके पास चीज़ लिखी होगी वो वन ओवर समथिंग में की चीज़ में से लिखी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, लाइक आई एम हैविंग टू नेगेटिव सेवन, तो ये चेंज हो जाएगी वन ओवर टू सेवन में, पॉजिटिव इंडेसेस में आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली इफ आई एम हैविंग टू थ्री नेगेटिव एक्स, तो ये जगह वन ओवर थ्री टू द पावर एक्स। सो वन ओवर टू टू द पावर वन इज एक्चुअली वन ओवर टू माइनस वन, सो आई एम हैविंग नेगेटिव वन ओवर टू एज एन आंसर। सो इन एक्चुअल के नेगेटिव वन इज इक्वल्स टू वन ओवर टू, ठीक है जी? पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन एच एक्स इज इक्वल्स टू के थ्री। सो फर्स्ट इज द लेफ्ट हैंड साइड इज एच एक्स, एंड आई नो दैट एच एक्स इज इक्वल्स टू विच थिंग, 12 ओवर एक्स प्लस वन। सो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट 12 ओवर एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू के थ्री। के थ्री का क्या मतलब है? आई नीड टू फाइंड के थ्री ना, सो के थ्री किस तरह फाइंड करूँगा? टू टू द पावर थ्री नेगेटिव वन। देखें, ये के एक्स था इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, सो इफ आई नीड टू फाइंड के थ्री, सो मुझे टू रेज़ टू द पावर थ्री नेगेटिव वन। सो के थ्री मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को इसकी जगह सब्सिट्यूट कर दो। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डायरेक्ट लिखा है टू टू द रेज टू द पावर थ्री नेगेटिव वन। जी यार, तुम्हारी मोहम्मदून, या तो तुमने एक मिनट, वेट, मुझे ज़रा 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ, ज़रा वेट।
जी यार आई एम सॉरी। अच्छा जी मोहम्मद उन, क्लियरली यार माइक में से या तो अपनी हाथ उठाओ, मुझे बहुत आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आती, बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ जो फिर लास्ट स्टेप किया वो मुझे समझ कुछ नहीं आया। के थ्री वाला नहीं समझ आया जी के, मेरे पास ये देखो ना, मैंने आपको समझाया है के एक्स की क्या वैल्यू है, 2x-1, यही बात है ना, के एक्स इज इक्वल्स टू 2x-1, ये मेरे पास फंक्शन गिवन है। सो इफ आई नीड टू फाइंड के थ्री, मैंने के थ्री फाइंड करना, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ मैंने थ्री सब्सिट्यूट करना। सो के थ्री इज एक्चुअली 2^3-1, वेर एवर आई एम हैविंग एक्स आई नीड टू सब्सिट्यूट थ्री। तो अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है के थ्री इज इक्वल्स टू 2^3-1, सो मैंने के थ्री की जगह यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, दैट्स इट, जिसके इक्वल थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। 12/x+1, 2^3 क्या होता है, 8-1, 12/x+1 इज इक्वल्स टू 7, ये यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो 12/x, 7-1 is 6, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 नीचे आ गया, x इधर आ गया, सो x इज इक्वल्स टू 2। सो इफ आई एम हैविंग दिस कंडीशन माई वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, गॉट इट, ये है सारा तरीका। डी पार्ट करते हैं जरा, अब मेरे साथ एक्स की वैल्यू 3 कैसे होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू के एक्स होगी, कहाँ पे एक्स की वैल्यू, मुझे नजर नहीं आ रहा था, एक्स की वैल्यू समझ आ गई, आ गई है ओके। सो पार्ट डी इज के एक्स इज इक्वल्स टू एच -12 है, ठीक है, पैड को भी मसला हुआ हुआ है तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा के एक्स इक्वल्स टू एच -12, अब सबसे पहली बात है के एक्स उसने लिखा हुआ है, सो आई नीड टू सब्सिट्यूट वट एवर के एक्स आई एम हैविंग, आई नो दैट दैट इज 2x-1, यही है ना के एक्स की वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख देना है 2x-1 इज इक्वल्स टू, आगे उसने क्या लिखा है h-12, सो आई नीड टू फाइंड h-12, सो h-12 में किसना फाइंड करूँगा, कलर ज़रा पहले चेंज कर लेता हूँ ताकि आप x की वैल्यू पुट करेंगे, जी h में, फंक्शन h में, मुझे पता है कि h x क्या है, 12/x+1, सो h-12 क्या होगा, 12/-12+1, सो ये कैंसिल होके -1 हो जाएगा, सो -1+1=0। जी जी जी, एनी क्वेश्चन जल्दी बोलो, मुझे नहीं आवाज आ रही यार किसी की। सो इन एक्चुअल एक्स नेगेटिव 12 की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, 0, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है, अब ये -1 हो रहा है वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 2x=1। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एनी वन ऑफ यू जो मुझे थोड़ी हेल्प आउट करे यहाँ पे कि मैं x की वैल्यू किस तरह फाइंड करूँगा, सोचो और मुझे बताओ जल्दी से, यू आर हैविंग वन मिनट। पॉजिटिव इंडेक्सेस वाला रूल था, क्या करूं, क्या बताएं, क्या लिखूं इधर, आई गेस अंडर रूट एक्स आई होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में डिवाइड था तो क्या करूं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अंडर रूट एक्स भी किसी ने कहा था, अंडर रूट एक्स यू आर सेइंग 2x को अंडर रूट एक्स से करूं, तो यहाँ अंडर रूट एक्स कर दिया, दोनों साइड पे करना पड़ेगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, चलो ठीक yes. तो
फिर अब यहाँ क्या होगा? ये तो और तुमने मुसीबत बना दी है। अंडर रूट एक्स से नहीं हो सकता ब्रदर। जी मोहम्मदून, इंडेसिस का क्वेश्चन है। मोहम्मदून इज विद अस और नॉट? ये बेसिस कार्ड दे देते हैं। क्या करूं? बेसिस कार्ड दे देते हैं। यार एक तुम लोगों के माइक, या तो मेरा स्पीकर ख़राब हो गया या तुम लोगों के माइक्स जो हैं ख़राब हो गए। तुम कह रहे हो बेस को क्या करूं? यार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने की। द थिंग इज 2x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज़ माई इक्वेजन ना, गॉट इट? इट मीन्स दैट आई हैव टू चूज दैट वैल्यू ऑफ x जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू 1, सो मैंने x की वैल्यू वो चूज़ करनी है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। यस, सो मुझे पता है कि इंडेसिस का लॉ है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो क्या होता है? 1। वट एवर नंबर यू आर हैविंग, वेदर इट इज़ अ मिलियन, इट्स अ बिलियन, इट्स अ ट्रिलियन, अगर उसकी पावर ज़ीरो है, उसका इंडेक्स नंबर ज़ीरो है, तो वो 1 बन जाता है। लाइक मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस अ वेरी ह्यूज नंबर, मैं ये लिखता जा रहा हूँ विद ज़ीरो, और अगर इसकी पावर ज़ीरो हो गई, इंडेक्स ज़ीरो हो गई, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 1। ये वेस्टरिज वालों के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के इंडेसिस नहीं किए हुए थे तो आप लोग थोड़ा सा समझ सकें। Whenever I am having any number with a zero power, my answer is 1. Now here, मुझे x की value अगर मैं, for example, I said that put the value of x is equals to 0. So 2, 0 equals to 1. Basically 0 is a power. So 2, 0 is 1 is equals to 1. It means that if I choose the value x is equals to 0, my left hand side is equals to right hand side. Which is actually true for this equation. So मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. This is my answer. I hope. सही है, ये मुझे फंक्शन जो आपने पूछ के वो बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? पर जो आपने फंक्शंस किया वो समझ नहीं आया। ब्रदर वो फिर कल का लेक्चर आपको देखना था। आपने असाइनमेंट किए जो मैंने पोस्ट की थी? अपलोड कर दूंगा आज मोहम्मद, फिक्र ना करो, डबल कर लेना आज काउंट। ओके, नाउ ये भी एक डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल अवर फंक्शन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक, तब क्या करेंगे? ये सी मैंने क्वेश्चन किया। Now, given that fx is equals to x squared and gx is equals to x plus 2, solve the equation for fx is equals to gx. So, fx kya hai mere paas? X square. Gx kya hai? X plus 2. I just substituted the value of fx and gx. Got it? Nothing else I did. Just substituted the value. fx mere paas x square tha. I just substituted x square. And gx mere paas x plus 2 tha. And I was substitute kar diya. Got it? Now, the thing is, सर समझ क्या समझ नहीं आई सर? ये एक्स को टू ले ले तो फिर वन बाय वन। फैजान बोलो जी, क्या प्रॉब्लम है सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू कैसे? ऊपर देखो यार, एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। जी एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स प्लस टू, सो जी एस की जगह एक्स प्लस टू लिखती है। ये इक्वेशन थी मेरे पास, समझ आ गया? ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमाल, क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा था जी। जी मोहम्मद, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था सर, एक्स की वैल्यू टू कर दी तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों साइड। एक्स की वैल्यू क्या करूं करना है।
जो भी अभी मेरे साथ है ना, नेगेटिव एक्स हो जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मेरे पास राइट हैंड साइड पे, आई हैव टू शिफ्ट द लेफ्ट। अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनी है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को किस तरह सॉल्व करेंगे? मैडम सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं? वो बहुत बड़ी चीज़ है। आई विल गो विद द मिड टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन से करूंगा। कंप्लीटेड स्क्वायर करूं? यार मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा वो आसान लगती है। हमेशा फैक्टराइजेशन को पहले ऑप्ट किया करो, सबसे आसान होता है वो। ठीक है जी। सो मेरी एक वैल्यू आएगी एक्स की ज़ीरो, और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या आएगी? सॉरी, एक ज़ीरो नहीं आएगी, एक टू आएगी, और एक आएगी नेगेटिव। नेगेटिव। तो मोहम्मद दून, जो तुम कह रहे थे कि सर अगर मैं टू डाल दूँ इसमें, तो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन इसकी दो सॉल्यूशंस बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं कि ये ना हो कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हों, तो फिर प्रॉब्लम डिफरेंट आ जाती है। अब तुमने टू की तो बात की, बिल्कुल ठीक की है तुमने। सर मैं लेफ्ट हैंड साइड टू कर दूँ और राइट हैंड साइड भी टू, तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। बट यू कैन इवन पुट माइनस वन ऑल्सो, तो वो माइनस वन तो तुम्हारे जहन में नहीं था, इसीलिए आई आस्क यू टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पीछे वाला हमारा क्वेश्चन था उसका एक ही सोल्यूशन बनता था, यहाँ पर क्या पता एक से ज़्यादा सोल्यूशन बन जाए। तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिख देना, ये ना हो एक की जगह दो तीन आंसर्स बन रहे हो तो मार्क्स कट जाए। तो इवन टू से भी ये सेटिस्फाई कर सकता है और नेगेटिव वन से भी सेटिस्फाई कर सकता है। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉल्व द इक्वेशन 4gx इज इक्वल टू gx। अच्छा, इसमें सिर्फ ये मेरे क्वेश्चन डालने का मकसद ये था दैट डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ, इफ़ यू आर हैविंग 4gx इट मीन्स दैट यू जस्ट हैव टू राइट 4, एंड वट एवर gx यू आर हैविंग यू हैव टू राइट द वैल्यू। आई एम हैविंग x प्लस 2 ना, तो आई जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट x प्लस 2। सो ये नहीं देखना सर 4gx का क्या मतलब होगा, पता नहीं हम क्या लिखें, तो इसे कन्फ्यूज ना होना। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ gx और fx जो भी आपके पास इक्वेशन में आता है, बाकी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। इट्स 4x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा gx? x प्लस 2, ठीक है। आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए लाजमी। एक्सपेंडेड द ब्रैकेट, it's x plus 2, so it's 4x negative x is equals to 8 ko udhar le jaao ji. Any question? So x is equals to negative 2 is my answer. Got it? I was having this equation 4gx, so I write 4, I know that my value of gx is x plus 2, so I just directly substituted x plus 2 instead of writing gx is equals to gx again, so I need to write gx again, that is x plus 2. I expanded the bracket, maine x ko yahan shift kar diya aur 8 ko wahan kar diya, so I'm having negative 6 here, so 3 yahan pe reh gaya as a coefficient, wo wahan jaake divide ho jayega, so I'm getting negative 2. I hope the things are clear. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, मुझे टाइम कोई बता देगा? मेरे पास मोबाइल पता नहीं कहाँ पे है, नहीं, आई एम नॉट हैविंग। 1:45। ओके 1:45, वी आर हैविंग 15 मिनट्स। अच्छा, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द सेकंड टॉपिक, द सेकंड सब टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, इट्स लाइक इट्स अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के बीच में ही दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। गिवन दैट fx इज इक्वल टू दिस वन एंड gx इज इक्वल टू 3 - x, फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ f4, ठीक है। नाउ सी, आई एम हैविंग g फंक्शन ऑल्सो एंड f फंक्शन ऑल्सो इन वन पार्ट, सो आई नीड टू फाइंड g f4, सो हाउ कैन आई फाइंड दिस वैल्यू? फर्स्ट मेरे पास जो सबसे मिड वाला वैल्यू देखें f4, मैं f4 पहले फाइंड करूँ, ठीक है।
So I know that fx is equals to whatever value I'm having for the fx, that is x squared minus 2. Yeah. So I'm having fx is equals to x squared minus 2x. I need to find f4, so I need to substitute 4. Got it? So 4 squared is actually 16, negative 8. Got it? So 16 negative 8 is 8. Sir, समझ नहीं आई. कहाँ से समझ नहीं आई? तो अभी आप क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आया. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने find करना है GF4 ना. I need to find GF4. ठीक है? तो ये composite function है. मैंने इसे break किया. Break इस समझ में किया कि मैंने सिर्फ अभी F4 find कर रहा हूँ. ठीक है? GF4 total था, मैं सिर्फ F4 find कर रहा हूँ. सो F4 की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई. ठीक है? आई गॉट द वैल्यू ऑफ F4 दैट इज इक्वल्स टू 8. अब जरा मैं ऊपर जो मेरा GF4 है वो 8 के से ही है. सॉरी, F4 की वैल्यू 8 के से निकाल दिया. F4 की, यार मेरे पास fx क्या है मोहम्मदून? fx में पास x स्क्वायर नेगेटिव 2x है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 डालो, ऐसे निकालिए. क्यों सर? क्या मतलब क्यों? सर लिखा तो नहीं हुआ कि x इक्वल टू 4 पर है. क्या ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है यार के... इधर देखो F4 लिखा हुआ है. ये देखो, ये नजर आ रहा है तुम्हें? तो ये इस वजह से मैंने 4 डाला है. समझ आई है कि नहीं आई? यार इधर देखो F4 लिखा हुआ है. सो आई एम बाउंड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 4 बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ F4 फर्स्ट. सो F4 की वैल्यू 8 निकली है. अब एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, अब खामोश हो जाएंगे फौरन सारे. वेल एनी वेज, अब देखो GF4 था मेरे पास यहाँ GF4. सो मैं F4 की वैल्यू क्या निकली है? 8. सो मैं F4 की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर दूँगा. सर हमें ये चला कि मतलब x इक्वल, अब लिखा हुआ है f इक्वल टू 4 है कि x की वैल्यू, लेकिन आपको कैसे पता कि वो x की जगह पे था 4? क्या x की जगह पे? मुझे कैसे पता कि x की जगह पे था 4? यार फंक्शन जो नोटेशन होती है ना, जो लिखते हैं हम, मोहम्मदून तुम बाकियों का टाइम ज़ाया करोगे, तो मैं लेक्चर पिछले वाला अपलोड करूँगा, तुम्हें चीज़ पता चल जाएगी. वेल यहाँ पे देखें F4 क्या है, 8 है मेरे पास. ठीक है, मैंने F4 जहाँ पे GF4 था ना, तो F4 की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ F4 इज 8. नाउ आई नीड टू फाइंड G8. G8 किस तरह फाइंड करूँगा? आई नो दैट GX की क्या मेरे पास वैल्यू है? 3 माइनस x, यही बात है. सो G8 मैंने निकालना है. सो इट्स 3 माइनस 8, सो इट्स नेगेटिव 5. सो आई गॉट द वैल्यू G8 नेगेटिव 5. इसका मतलब ये है कि मेरे पास GF4 की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव 5. मैं दोबारा समझा दूँ. नेगेटिव 5 डिवाइड बाय 8 नहीं वैल्यू होगी? नहीं भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पे. यार ये नोटेशन है फंक्शन की मोहम्मदून, दिस इज़ द वे टू राइट अ फंक्शन. ठीक है, इन मैथमेटिक्स वी आर हैविंग डिफरेंट नोटेशंस. मैंने कल यही बताया था कि हर चीज़ को लिखने का एक प्रॉपर तरीकाकार है, तो फंक्शंस को लिखने का ये तरीकाकार है. मैंने जी नहीं निकाला. जी जी सर, मुझे नहीं समझ आ रही. कहाँ से नहीं समझ आ रही? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को. एक मिनट वेट, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये सारा गन जो है ना, थोड़ा सा रेस कर लेते चीज़ें. अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, जिसको स्टेप में प्रॉब्लम होगा वहीं मुझे रोकेगा.
मेरे पास फर्स्ट पावर है, आई नीड टू फाइंड जी एफ फोर. ओके सो द थिंग इज मैं एकदम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, आई नीड टू ब्रेक इट. ब्रेक कहाँ पे करूँगा मैं इसको, यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ. फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर. एफ फोर की सर यार, जी जी बोलो सर. या मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था अभी, है मुझे समझ नहीं आई क्लास. मैं वही समझा रहा हूँ यार, एफ फोर की वैल्यू मेरे यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन चल रहा है ना. प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, ठीक है? जब मैं कहूँगा क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे पूछना. आई नीड टू, दिस इज़ माई कंपोजिट फंक्शन, आई नीड टू फाइंड जी एफ फोर. आई कैन नॉट फाइंड, एकदम मैं नहीं फाइंड कर सकता लाइक जी एफ फोर. देर इज़ नो फार्मूला आई एम हैविंग, नथिंग के मैं पुट करूँ वैल्यूज और जी एफ फोर निकल आए. नो, आई नीड टू ब्रेक दिस फंक्शन. सो ब्रेक क्या कर रहा हूँ, जी को थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ और एफ फोर को यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर. एफ फोर इज़ लाइक वेरी सिंपल फॉर मी. आई नो माई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव टू एक्स. सो मैंने एफ एक्स की जगह फोर डाल देना, बिकॉज आई नीड एफ फोर ना. सो एक्स की जगह फोर डाल दिया तो मेरे पास फोर स्क्वायर नेगेटिव टू फोर आ गया, 16 माइनस 8, एंड आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ एफ फोर इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे किसी को नहीं समझ आई तो बताएं कि सर आपने एफ फोर की वैल्यू किस तरह निकाल ली. 8 सर मैं स्लाइड पर नहीं था. क्या सर मेरा नेट चला गया था तो उसकी वजह से क्लास नहीं ले सका बीच में. यार फैज़ान तो फिर तुम भी लेक्चर देख लेना यार शाम को भी, पता है बाकियों का टाइम ज़ाया होता है ना. मैं दोबारा किस तरह पीछे वाली स्लाइड से तुम कह रहे हो मैं दोबारा समझाऊँ सारा. सर बस ये बता दे कि कंपोजिट फंक्शन क्या है. कंपोजिट फंक्शन वही बताया कि इट्स अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. देखो जिस तरह ये जी एफ फोर है ना, तो जी भी फंक्शन है, एफ भी फंक्शन है फोर के साथ. सो ये दो फंक्शन एक ही उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. दैट्स इट. तो हमने फाइंड कैसे करना है वो मैं समझा रहा था. सो एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू 8. जिसको यहाँ तक ना समझ आई हो कि सर आपने एफ फोर 8 किस तरह निकाला है वो मुझे बताएं. इट्स लाइक वेरी सिंपल. अब एफ फोर तो 8 आ गया मेरे पास. मैं क्वेश्चन दोबारा ज़रा बड़ा करके लिखता हूँ. मेरे पास था जी एफ फोर, मैंने इसको ब्रेक किया और इसकी वैल्यू निकाली. इसकी वैल्यू मेरे पास आई 8. तो अब मैंने एफ फोर की जगह मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, जी 8. दैट्स इट. ठीक है, मेरे पास एफ फोर की वैल्यू 8 आई. सो एफ फोर की जगह मैंने 8 लिख दिया. नाउ इन एक्चुअल मेरे पास जो क्वेश्चन था जी ऑफ एफ फोर, वो इसमें चेंज हो गया, जी ऑफ 8 में. आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 8. जो भी मेरे पास जी ऑफ 8 की वैल्यू आएगी दिस विल बी माई आंसर. तो क्या होगा, जी ऑफ 8 देखें, ये है मेरे पास, मुझे पता है जी एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स. सो मैंने जी ऑफ 8 निकालना है. सो आई नीड टू सब्सिट्यूट 8 एक्स की जगह. तो जी ऑफ 8 इज़ दिस वन, 3 माइनस एक्स की जगह 8 लगा दिए, 3 माइनस 8, जी ऑफ 8 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5. सो मेरे जी ऑफ 8 की वैल्यू आई है नेगेटिव 5. सो इसका मतलब है कि जी एफ 4 किसके इक्वल है, नेगेटिव 5 के. ये पूरा क्वेश्चन था. कंपोजिट फंक्शन का ये मतलब है कि दो फंक्शंस एक ही क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लाइक जी एफ, जी और एफ दोनों दो फंक्शंस हैं, एक ही पार्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. इट्स अ कंपोजिट फंक्शन. सेम इज द केस हियर, एफ जी फोर, दिस इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन. ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है. ठीक है, दो फंक्शंस एक ही फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. जी वाला क्या नहीं समझ आया, कहां से समझ जी वाला माइनस वन नहीं आना चाहिए था, कहां पे जी एट को तुम कह रहे हो माइनस वन आना चाहिए. मोहम्मदून जी एट को माइनस वन कह रहे हो, जी एट की माइनस वन वैल्यू आनी चाहिए. मोहम्मदून बोलो यार प्लीज जल्दी.
सर नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइनस वन नहीं होना चाहिए जी का? g8 को की वैल्यू माइनस वन क्यों होगी? देखो ना, जी एक्स मेरे पास है 3 माइनस एक्स, यही है ना, तो एक्स की जगह मैंने 8 लाल डालना है, जी सर तो यही है। 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 -5 होती है, -1 कहाँ से आ गया? सर ये आपने 8 8 तो उसका आंसर आया था, आपने इधर क्यों डाल दिए? 8 इसका आंसर आया था ना, F4 का, F4 का आंसर 8 आया था ना, यही है ना, बताओ मुझे साथ, F4 का आंसर 8 आया था, तो F4 की जगह मैंने 8 लिख दिया, बस मेरे पास जी पूरा था GF4, F4 की जगह 8 लिख दिया, ठीक है। अब इन एक्चुअल मैंने फाइंड करना है G8, ठीक है, G8 हाँ, वही फाइंड। समय थोड़ी बहुत सर। अब G8 को फाइंड करने के लिए मैंने GX वाला फंक्शन यूज़ करना है, F वाला नहीं यूज़ करना, वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई। ये आसान है यार, इसको तुम लोगों का भी असल में तुम वो तुम्हारा प्रॉब्लम था उसका इलेक्ट्रिसिटी का, अगर तुम पहले लेक्चर लेते, ये बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लोगों को थोड़े बहुत स्टेप्स जहन में होने चाहिए। मुझे साथ यार टाइम बताना, एक पार्ट और हम कर लेते हैं बस, फिर यहीं पर एंड करते हैं, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं सिर्फ। 2 मिनट रहते हैं, चलो कल इसे कंटिन्यू कर लेंगे। मैं आज आपको दे दूंगा एक और असाइनमेंट, वेल कंपोजिट आज कंप्लीट हो जाना चाहिए था, डेक्सेल में तो हो गया कंप्लीट, आप लोगों का प्रॉब्लम है, वेल एनी वेज कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग रेस्ट करें यार। हेलो सर। ओके सर।